जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फिर चैनल सी एस टेक्निकल पे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के अभी कमेंट्स आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लॉटरी रिजल्ट का जो फर्स्ट लॉटरी लिस्ट है वो आउट हो चुका है, तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ एक बार हमें दोबारा से बता दीजिए कि हमें एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि जब वो अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाएंगे तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस टाइप के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा सभी के लिए, चाहे किसी भी कोटा किसी भी कैटेगरी के थ्रू आप अपने बच्चे के एडमिशन के अप्लाई किया हो, आपके पास आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद जो दूसरा है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके बच्चे का कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी जो है सबके पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है, वो आता है आपका EWS या BPL सर्टिफिकेट। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए EWS सर्टिफिकेट का डिटेल्स वहाँ पर भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, या BPL सर्टिफिकेट का डिटेल्स भरा था वहाँ पर और उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम RTE कोटे के थ्रू आया है, तो उनको क्या है कि स्कूल में BPL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट वहाँ पर उनको स्कूल में दिखाना होगा। जिन्होंने EWS सर्टिफिकेट भरा होगा उनको EWS सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिन्होंने BPL सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरी होंगी उनको BPL सर्टिफिकेट का वहाँ पर दिखाना होगा। लेकिन सिर्फ ये उन्हीं के लिए जो पेरेंट्स RTE कोटे के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे। उसके बाद जो अगला आता है, कास्ट कोटा। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए किसी कास्ट कोटे के थ्रू अप्लाई किया था, मान लीजिए SC ST OBC, अगर इनके थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो उनको क्या है कि अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में दिखाना होगा अगर उनके बच्चे का नाम किसी कास्ट कोटे के थ्रू एडमिशन लिस्ट में नाम आया है, यानी कि लॉटरी लिस्ट में नाम अगर कास्ट कोटे से आया है तो उनको अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ स्कूल में दिखाना होगा। उसके बाद जो अगला आता है, सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी के थ्रू जिन बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आया है उनके पेरेंट्स को सर्विस का मतलब वहाँ पर दिखाना होगा स्कूल में सर्टिफिकेट। जैसा कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 के थ्रू अप्लाई किया और वो जो बच्चे के पेरेंट्स है वो आर्मी में है और उनके बच्चे का कैटेगरी 1 में एडमिशन लिस्ट में नाम आया है, तो उनको अपने आर्मी में होने का सर्विस सर्टिफिकेट स्कूल में दिखाना होगा। ये तो बात हो गई। इसके बाद जो जिन पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वहाँ पर नंबर ट्रांसफ़र का मतलब वहाँ पर डिटेल्स भरे थे और उनका एडमिशन लिस्ट में नाम आ रखा है, चाहे किसी भी कैटेगरी के थ्रू थे किसी भी कैटेगरी में आते थे और उन्होंने अपना अगर नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का भी डिटेल्स भरा हुआ था, तो उनको अपने सर्विस सर्टिफिकेट के साथ साथ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का भी सर्टिफिकेट स्कूल में दिखाना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला जो है, DA कोटा। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए DA कोटा के थ्रू अप्लाई किया था और उनके बच्चे का DA कोटा में नाम आया है, तो उनको अपने बच्चे का यानी कि डिफरेंटली एबल्ड होने का उनको सर्टिफिकेट देना होगा। यानी कि जिन पेरेंट्स का बच्चा दिव्यांग था और उन्होंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल में DA कोटा से अप्लाई किया था, तो उनको अपने बच्चे का दिव्यांग का सर्टिफिकेट स्कूल में दिखाना होगा। उसके बाद जो अगला है वो है SGC कोटा। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए SGC कोटा के थ्रू अप्लाई किया था और उनका लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है, तो उनको क्या है कि एक एफिडेविट बनवा करके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको स्कूल में जमा करना होगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का। SGC मीन्स सिंगल गर्ल चाइल्ड। उसके बाद अगला है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आपको स्कूल में जमा करना होगा बच्चे का। उसके बाद जो अगला है, आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चे का प्लस माता और पिता में से किसी एक का आपको स्कूल में जमा करना होगा। उसके बाद जो अगला है, एड्रेस प्रूफ। बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास ये कमेंट आया था एड्रेस प्रूफ को लेकर के, तो एड्रेस प्रूफ में क्या क्या हो सकता है। एड्रेस प्रूफ में हो सकता है आपका आधार कार्ड, वोटर ID हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, और जो पेरेंट्स रेंट पे रहते हैं वो अपना रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको हाउस ओनर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लगाना होगा, उस पर हाउस ओनर का नाम भी लिखा होगा। इसके अलावा जो पेरेंट्स गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं यानी कि गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहते हैं, तो उनको क्या है कि अलॉटमेंट लेटर की कॉपी वहाँ स्कूल में दिखानी होगी, यानी कि उनके क्वार्टर अलॉटमेंट की उनको कॉपी स्कूल में दिखानी होगी। दोस्तों, ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे आपको चाहिए होंगे, इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे तो वो आपको स्कूल के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी लाने हैं। ध्यान रहे कि आपने जिस कोटा जिस कैटेगरी थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उस कोटा उस कैटेगरी का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए RTE कोटा के थ्रू अप्लाई किया था, ये ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको,
जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटी कोटा के थ्रू अप्लाई किया था और उनका नाम अगर आ गया है तो उनको पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एडमिशन की गाइडलाइन है उसमें एक रेडियस तय किया गया है कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपका जो है 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में आपका स्कूल होना चाहिए, मतलब आपके घर से डिस्टेंस और स्कूल से डिस्टेंस आप मान लीजिए तो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में होना चाहिए। और वहीं अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो वहां पर आपको 8 किलोमीटर रेडियस का आपको क्राइटेरिया दिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन की गाइडलाइन में। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का रूल है, ये सिर्फ आरटी कोटा वालों के लिए है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है लेकिन हमारा जो घर है वो मोर देन 5 किलोमीटर है या मोर देन 8 किलोमीटर के उसमें रेडियस में है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे हालात में क्या होगा कि आपके बच्चे का जो है स्कूल एडमिशन स्कूल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन के गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है डिस्टेंस को लेकर के, रेडियस को लेकर के साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप इस बात का पक्का ध्यान रखें। जाहिर सी बात है अगर आपने आरटी कोटे के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो ये आपको पहले से पता होगा कि कितना डिस्टेंस चाहिए, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं आरटी कोटा के लिए। अगर फिर भी आपने गलती किया है तो ये आपकी गलती हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे और बहुत सारे पेरेंट्स के और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोग साथ शेयर करूँ। फिलहाल मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है जिस कारण कि मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। अगर फिर भी किसी पेरेंट्स के सवाल रह जाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके उसका जवाब दे दूँ। कमेंट्स के थ्रू भी मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ, बट मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होने के कारण मैं आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स के जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी जो मेरे पास मैसेजेस आए थे कुछ के मैंने रिप्लाई किए, कुछ के नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी बिजी शेड्यूल चल रहा है। और मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, मैंने बोला भी था कि मतलब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मैसेज करें, मैं आप लोगों सबको रिप्लाई करूँगा, बट कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो गया कि जिस कारण मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। बट मेरी कोशिश है कि जैसे ही मैं आपके मैसेजेस देखूँ या कमेंट्स देखूँ मैं उसको रिप्लाई करूँ या उसके ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर करूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।